हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड का 33वां अध्याय, वीरभद्र और महाकाली का यज्ञशाला की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, महेश्वर के आदेश को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए। शिवजी ने प्रलय की अग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ भेज दिया। वे अत्यंत तेजस्वी थे। वे सभी वीरगण कौतूहल में वीरभद्र के साथ साथ चल दिए। उसमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह ही महापराक्रमी और बलशाली थे। बहुत से काल के भी काल भगवान रुद्र के समान थे। वे शिवजी के समान ही शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिवजी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो 400 हाथ लंबा था, और इस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे, और बहुत से हाथी शार्दुल मगर मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, भद्रकाली, भद्रा, तवरिता और वैष्णवी नामक नव दुर्गाओं ने भी भूत पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस ओर प्रस्थान किया। डाकिनी, शाकिनी, भूत पिशाच, परमथ, गुहाक, कुशामंड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा ऋत्रपाल आदि सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए। वे भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर चल दिए। उस समय भेरियों और की गंभीर ध्वनि होने लगी। अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे। उस समय जटाहर मुखों तथा शिंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए। भिन्न भिन्न प्रकार की सिंगे बजने लगी। महामुनि नारद उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक शामिल थे। इसी प्रकार महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी। इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों ही विशाल सेनाएं उस दक्ष की यज्ञ का विनाश करने के लिए गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ने लगी। उस समय अनेक शुभ शगुन होने लगे। ओम नमः शिवाय।